हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर एंड वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं मैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरे चैनल को एक बार जाके विजिट करो। आप चाहे मेडिकल की किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, बीपीटी, बीएचएमएस, बीएमएस, एक्सरे, ओटी, डीएमएलटी, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, सारे कोर्सेज के लेवल, सब्जेक्ट लेवल से रिलेटेड, एनाटोमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी के सारे वीडियोस मेरे चैनल में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डली हुई है। हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल एक बार आप विजिट करके देखो। मेरा प्रॉमिस है सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे विथ नोट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। देखो साल्मोनेला एक्चुअल में होता क्या है समझते हैं। साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलस बैक्टीरिया विच इज कॉज एंट्रिक फीवर। बोलना चाहता है कि जो साल्मोनेला होता है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है और यह एंट्रिक फीवर को कॉज करता है। देखो सिंपल बता देता हूँ एंट्रिक फीवर का क्या मतलब होता है। एंट्रिक फीवर का सिंपल मतलब होता है कि जब जो फीवर होता है हमारा 101 फेरेनहाइट से अबव चला जाए, डिग्री नहीं, 101 फेरेनहाइट से अबव चला जाए, जब बहुत ज़्यादा फीवर आए, ज़्यादा बुखार आने लगे और वो फीवर नॉर्मल मेडिसिन से ठीक भी ना हो, नॉर्मल मेडिसिन से ठीक भी ना हो, उसे एंट्रिक फीवर या हाई ग्रेड फीवर भी कहते हैं। तो याद रखना साल्मोनेला एक ऐसा बैक्टीरिया है साल्मोनेला जो कि एंट्रिक फीवर कोस करते हैं, हम टाइफॉइड भी कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा, लैब डायग्नोसिस क्या होती है, विडाल टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, इसके क्या कॉज है, क्या रीज़न है, सिम्टम्स क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। तो याद रखिएगा साल्मोनेला पहली चीज है ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया होता है और ये एंट्रिक फीवर को कॉज करता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ साल्मोनेला। देखो साल्मोनेला बैक्टीरिया को समझने से पहले उसके टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो साल्मोनेला बैक्टीरिया में सब बच्चों को डाउट रहते हैं, मेरा प्रॉमिस है भाई ये टाइप्स आप समझ लोगे ना आगे तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आप पूरा आपका 100% माइंड यहाँ पे रखो, टाइप्स ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी एस, एस टाइफी जिसे बोलते। देखो दो तरह से बैक्टीरिया बताऊंगा मैं, साल्मोनेला टाइफॉइड और साल्मोनेला पैराटाइफॉइड, दो टाइप बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा इस पॉइंट पे। साल्मोनेला टाइफॉइड को मैं एस टाइफी के नाम से बुलाऊंगा। एस का मतलब होता है साल्मोनेला, टाइफी का मतलब टाइफॉइड, क्लियर है, साल्मोनेला टाइफॉइड। दूसरा है साल्मोनेला पैराटाइफॉइड। साल्मोनेला पैराटाइफॉइड का मतलब एस पैराटाइफी, शॉर्ट फॉर्म में मैं इन्हें साल्मोनेला को एस, खाली एस नाम से बुलाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कंफ्यूज मत होइएगा, एस टाइफी यदि बोलूँ तो साल्मोनेला टाइफॉइड और यदि एस पैराटाइफॉइड बोलूँ इसका मतलब साल्मोनेला पैराटाइफॉइड, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हर एक टाइम दूंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको पढ़ने में इजी रहेगा, ठीक है। तो दो टाइप से साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी। दूसरी चीज साल्मोनेला टाइफॉइड या फिर साल्मोनेला एस टाइफी, इसको हम डिटेल्स समझते। मैंने दो टाइप आपको साल्मोनेला के, मैंने आपको दो टाइप बताए, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ साल्मोनेला टाइफॉइड क्या होता है वो समझे। एस टाइफी यानी कि साल्मोनेला टाइफी इज अ स्पेशल बैक्टीरिया विच हैज़ टू टाइप ऑफ एंटीजन, इट इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ये लाइन एक गोल्डन लाइन की तरह है, समझिएगा इसे। एस टाइफॉइड एक विशेष प्रकार का, यानी कि साल्मोनेला टाइफॉइड एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ये इस बैक्टीरिया के पास दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और यह एंटीजन बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर होते हैं, समझना। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफॉइड, ये साल्मोनेला का टाइप है, इसकी सतह पे, इसकी ऊपरी सतह पे दो एंटीजन, ये एंटीजन समझ लोगे ना विडाल टेस्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसकी सतह पे, ऊपरी वाली सतह पे कौन से एंटीजन पाए गए हैं वो देखो, ओ एंटीजन जिसे टी ओ बी कहते हैं। अब मैंने टी ओ क्यों बोलूँगा बताता हूँ, एक होता है एच एंटीजन जिसे टी एच बी बोलूँगा। देखो टी जो शब्द है टाइफॉइड से लिया गया, ये रहा साल्मोनेला टाइफॉइड, साल्मोनेला हटा दिया मैंने, केवल टाइफॉइड, टाइफॉइडल ओ एंटीजन, टाइफॉइडल एच एंटीजन जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओ एंटीजन भी बोल दूंगा, एच एंटीजन भी बोल दूंगा। बहुत सारी जगह पे ओ लिखा रहता है स्लाइड में, तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये टी ओ ही होता है और कभी कभी टी ओ भी लिखा रहता है। इसी टाइप से एच एंटीजन जिसे हम टी एच एंटीजन भी लिखा रहता है, टी का मतलब होता है टाइफॉइडल
एच एंटीजन, ओ टी ओ का मतलब टाइफोइडल ओ एंटीजन, ओ सिंपल ओ है, ओ से कोई लेना देना नहीं है, वो एक वर्ड दिया गया है ओ एंटीजन और एच एंटीजन, जिसके आगे टी जोड़ दे यानी कि टाइफोइडल एंटीजन। क्लियर हुआ? ये था साल्मोनेला टाइफी यानी कि एस टाइपी। फिर से रिपीट, ये ही आगे चल के आपको समझाएंगे चीज़ों को, इनको समझ लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। ओ टी ओ एच टी एच दो एंटीजन पाए गए, टाइफोइडल एस टाइफी के पास दो एंटीजन पाए जाते हैं, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। ओ एंटीजन को टी ओ के नाम से भी जाना जाता है और एच एंटीजन को टी एच के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट में क्या रहता है कि आप लोगों को ना समझ में आता जाएगा, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट का बोलता हूँ आप लोगों से। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ टाइफोइडल एस एस पेराटाइफी। अभी मैं अपन ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया एस टाइफोइड। अब पेराटाइफोइड क्या होता है? इट इज ऑल्सो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट इज टू टाइप ऑफ एंटीजन ऑन सरफेस। बोलना चाहता है ये भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। ये इस बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर दो प्रकार के एंटीजन, पहले वाले बैक्टीरिया जो कि टाइफोइडल एस टाइफी था, उसके पास कितने एंटीजन थे? दो थे। कौन कौन से? ओ एंटीजन और एच एंटीजन। ओ को मैंने टी ओ भी बोला था और एच को टी एच भी बोला था। बट मैं बोल रहा हूँ आपका साल्मोनेला पेराटाइफी, साल्मोनेला पेराटाइफी दो टाइप से, इसमें भी एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से? एंटीजन ए एच और एंटीजन बी एच। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे चल के समझना है, ठीक है। तो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं साल्मोनेला, एक तो साल्मोनेला पेराटाइफी और साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी जो कि हमने पहले पढ़ा है, उसके पास दो दो एंटीजन थे। कौन से एंटीजन थे? साल्मोनेला ओ ओ टी, ओ को टी ओ टाइफोइडल ओ एंटीजन बोला था, एच को टी एच बोला था। अब मैंने बोला है कि जो साल्मोनेला एस पेराटाइफोइड होता है, पेराटाइफोइड के पास भी दो एंटीजन है, एक एच है और एक बी एच है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? अब मैं यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। अब इस जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है ना, ये आपको किस तरह का दिखाई देता है, कैसे इसके आकार आकृति, कैसे इसका शेप होता है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलस। पहली बात है, साल्मोनेला क्या होता है? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। बेसिलाई का मतलब होता है सिंपल रोड शेप में। ऐसे अगर आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, ये रोड शेप में इस तरह का है, ठीक है। जबकि कोकाई कैसा था? कोकाई गोल था, ओवल शेप था। जबकि साल्मोनेला टाइफॉइड, जिसके हम बेसिलाई बैक्टीरिया बोल रहे हैं, बेसिलाई जो होता है रोड शेप में पाया जाता है। इट्स नॉर्मल साइज इज 0.5 माइक्रोमीटर। इसकी साइज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर तक साइज होती है। इसका आकार लगभग 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, साइज जो होती है वो। दिस इज मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया बिकॉज इट हैज फ्लैजिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, मैंने बोला है कि यह बैक्टीरिया बहुत ही गतिशील होता है क्योंकि इसके सतह पर फ्लैजिला पाया जाता है। पहले जितने भी बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं, वो हमने नॉन मोटाइल पढ़े। मोटाइल और नॉन मोटाइल का क्या मतलब होता है? मोटाइल का मतलब होता है वह बैक्टीरिया जो कि मूवमेंट कर सकता है, नॉन मोटाइल का मतलब वह बैक्टीरिया जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसे नॉन मोटाइल कहते हैं। बट मैं बोल रहा हूँ मोस्ट मोटाइल। मोस्ट मोटाइल मतलब जो कि पूर्ण रूप से सक्षम होता है गति करने में, क्योंकि इसकी सतह पर फ्लैजिला। आपको इसे धागे तंतु जैसी संरचना साल्मोनेला की सतह पर दिख रही है, ये फ्लैजिला होते हैं, यही बैक्टीरिया को मूवमेंट गति करवाते हैं। तो याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स है कि साल्मोनेला इज अ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है और इसकी साइज 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है और ये मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया यानी कि बहुत ज़्यादा गति करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसकी सतह पर फ्लैजिला पाए जाते। जरा एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे, साल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है और ये बहुत ही गतिशील होता है। गतिशील का मतलब होता है बहुत जल्दी मूवमेंट करता है फ्लैजिला की वजह से। नेक्स्ट चीज देखते हैं,
पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में सिंपल याद रखना, साल्मोनेला मेनली कोस एंट्रिक फीवर। बी बोलना चाहता है व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज 101 फेरेनहाइट, बोलना चाहता है साल्मोनेला एंटीजन फीवर, एंट्रिक फीवर करता है और जब शरीर का तापमान 101 डिग्री फेरेनहाइट से ज़्यादा पड़ जाए। कोष्टक में लिखा है, देखो एंट्रिक फीवर का मतलब होता है जब आपका फीवर बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फीवर आता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली हाई ग्रेड फीवर या एंट्रिक फीवर बोलेंगे, 101 फेरेनहाइट से अबव चला जाए। कुछ सिम्टम्स होते हैं, जरा देख लो इधर सिम्टम्स में आपको क्या हो गया, ठीक है। सिंपली सिम्टम्स में आपको एक तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंसेफेलोपैथी हो सकता है, लूज एपेप्टाइसिस होता है, अल्सर हो सकता है आपके माउथ में, सेवरल हेडेक आपको पेन हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, हेलुनिएशन हो सकता है। देखो आपको सिंपल याद रखना, आपको चक्कर आना, कुछ प्रॉब्लम इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती है, पेट दर्द होना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन लग जाना, ये साल्मोनेला में कॉमन चीज़ें। आपने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं साइट हो जाता, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। बस आपको यहाँ से यार सारी चीज़ें मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें मिल रही है। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को विजिट जरूर करो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, पर चैनल को एक बार विजिट करके देखो, आपके यदि काम की चीज़ मिलती है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने डालता हूँ यार, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं नोट्स, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में एंट्रिक फीवर कॉज करता है हाई ग्रेड फीवर। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वोमिटिंग आना, ठीक है, चक्कर आना, अजीब सा लगना, जी लाना, लूज मोशन होना, हेडेक होना, जगह जगह पर पेन होना सर में, ये कुछ सिम्टम्स है जो हमें साल्मोनेला के इन्फेक्शन में देखे जा सकते हैं। अब आती है लैब डायग्नोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कैसे पता करोगे कि साल्मोनेला हुआ है, साल्मोनेला में सैंपल कलेक्शन। देखो साल्मोनेला बैक्टीरिया इंटर करते हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, तो हम ब्लड पेशेंट का निकाल सकते हैं, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। यूरिन हम निकाल सकते हैं, यूरिन के थ्रू भी पता लग जाएगा। नेजल स्वैब के थ्रू कभी नोज से इंटर हुआ है, लैरिंगल स्वैब भी कलेक्ट कर सकते हैं, CSF भी कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत रेयर होता है, ये नॉर्मली नहीं की जाते, बट मेनली ब्लड के थ्रू ही हम पता लगा लेते उसके सीरम को निकाल कर। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी, ठीक है। अगर नहीं ले पाते तो पॉज कर लिया करो वीडियो को, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, अब जो हमने सैंपल को निकाला है उसको डायरेक्टली स्लाइड पर लेके हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। देखिए कलेक्ट अ सैंपल डायरेक्टली, कलेक्टेड सैंपल डायरेक्टली स्टेन्ड बाय ग्राम स्टेनिंग एंड सी अंडर माइक्रोस्कोप, बोलना चाहता है जो सैंपल निकाला गया है यानी कि ब्लड हुआ, यूरिन हुआ, जो भी हमने निकाला है उस सैंपल को सीधे ग्राम स्टेन कर दिया जाता है, ग्राम स्टेन की सहायता से किया जाता है स्टेन, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की जाती है, माइक्रोस्कोप के अंदर उसका अध्ययन हम करते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सैंपल निकाला जाता है उसको डायरेक्टली स्टेन करके भी देख सकते हैं, बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी बैक्टीरिया के नॉट प्रॉपरली डिटेक्टेड, सीधे माइक्रोस्कोप के द्वारा बैक्टीरिया को डायरेक्टली नहीं देखा जा सकता। देखो अब हमने हो सकता है ब्लड लिया या नेजल स्वैब लिया, उसमें एक या दो बैक्टीरिया ही हो, तो वो क्या हमें दिख पाएंगे, प्रॉपरली नहीं दिखेंगे ना, तो क्यों ना हम उन बैक्टीरिया को बड़े कर ले, ग्रो करवा ले, मल्टीप्लाई कर ले, हजारों बैक्टीरिया बना ले, है ना। तो हजारों बैक्टीरिया को तो एक जंगल में एक व्यक्ति है, क्या आप उसे देख पाओगे, यदि उस जंगल में करोड़ों लोग बैठे हुए तो आपको इजीली दिखाई देंगे ना। इसी तरह से मैं बैक्टीरिया को ग्रो करवा लूंगा, जिसे मैं बोलूंगा कल्चर प्रोसेस। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू पता लगाया नहीं जा सकता। क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट चीज पे मैं इस पर बढ़ता हूँ, कल्चर प्रोसेस। आप कैसे कल्चर करोगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि साल्मोनेला हुआ है। कल्चर इज अ प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। देखो कल्चर क्या होता है, कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बैक्टीरिया बड़े होते हैं, ग्रोथ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपने जैसे दूसरे बैक्टीरियाओं को बनाते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। आपको पता है बाइनरी फिजन क्या होता है, नहीं तो चैनल को विजिट करो, वहाँ पर डाला हुआ है। तो याद रखिएगा कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि बैक्टीरिया बड़े होते हैं, ग्रोथ होती है, ग्रो करते हैं और अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया को भी बनाते हैं।
फॉर द कल्चर ऑफ साल्मोनेला मेनी बैक्टीरिया मेनी मीडिया आर यूज। बोलना चाहता है साल्मोनेला बैक्टीरिया को बड़ा करने के लिए, ग्रोथ करवाने के लिए कई प्रकार के मीडियाओं का इस्तेमाल किया। मीडिया क्या होता है, देखो कल्चर मीडिया मतलब बता, देखो हमें ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसी टाइप से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बड़ा होने के लिए, प्रजनन करने के लिए, उनको एक से दो बैक्टीरिया यानी कि बाइनरी फिजन करने के लिए उनको भी किस चीज़ की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, खान पीन की जरूरत होती है, उसे हम कल्चर मीडिया के नाम से जानते हैं। मेकोंग की अगार, अब देखो बोलना चाहता है इन दिस मीडिया कलरलेस कॉलोनी आर सीन बिकॉज साल्मोनेला इज नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। बोलना चाहता है मेकोंग की अगार में साल्मोनेला की रंगहीन कॉलोनी बनती है क्योंकि साल्मोनेला नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग का मतलब होता है, देखो एक दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ये पॉइंट याद रखना मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको लिख लेना चाहे कुछ भी कर लेना, ये आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। दो तरह के बैक्टीरिया होते, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, एक होता है नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में क्या अंतर है, सिंपल बात है, एक मेकोंग की अगार, ये रहा मेकोंग की अगार, इस अगार पे यदि बोएंगे उनको उगाएंगे तो जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो पिंक कलर की कॉलोनी बनाता है और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है वो इस तरह की कलरलेस कॉलोनी, कलरलेस का मतलब देखो वाइट है, कलर नहीं है, बिल्कुल कलरलेस कॉलोनी बनाता है। और मेरा जो साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, इसीलिए यहाँ पे आपको कलरलेस कॉलोनी दिखाई दे रही है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका जल्दी से। अगर आपको कल्चर मीडिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है ना, ठीक है, यदि आपको कल्चर मीडिया के बारे में डिटेल से पढ़ना है ना तो आप मेरे चैनल को विजिट करो, वहाँ पे मैंने पूरे कल्चर मीडिया को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना मेकोंग की अगार इंपॉर्टेंट है, मेकोंग की अगार के अंदर जो साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है ये कलरलेस कॉलोनी शो करता है। नेक्स्ट पेज पर पढ़ता हूँ मैं, बायोकेमिकल टेस्ट। अब आप बायोकेमिकल टेस्ट में क्या क्या लगा सकते हो, ऑक्सीडेस टेस्ट होता है, साल्मोनेला पॉजिटिव देता है और कैटालेस नेगेटिव देता है। इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि ऑक्सीडेस एक टेस्ट का नाम है वो पॉजिटिव आता है और कैटालेस एक टेस्ट का नाम है वो नेगेटिव आता है साल्मोनेला को पता करने के लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट चीज, अब इंपॉर्टेंट आता है विडाल टेस्ट, ये सबसे स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसके थ्रू ही हम पता कर पाते हैं कि साल्मोनेला हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कल्चर एक सब कल्चर प्रोसेस अलग होती है, ब्लड के थ्रू हम डायरेक्टली विडाल रैपिड मेथड होती है, विडाल टेस्ट के थ्रू हम पता कर पाते हैं क्या होता है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज अ एग्लूटिनेशन टेस्ट इन विच इज यूज टू डिटेक्ट एंट्रिक फीवर, जिसे टाइफॉइडल फीवर भी बोलते हैं। विडाल टेस्ट एक प्रकार का एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, इसका इस्तेमाल एंट्रिक फीवर का या टाइफॉइडल फीवर का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि साल्मोनेला बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है एग्लूटिनेशन का मतलब, जैसे दूध में हम नींबू डालते से फट जाता है ना, चिपक जाता है पूरा, इसी टाइप से हम लोग क्लोटिंग एग्जांपल, जब ब्लड ग्रुप आप लगाते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग में कैसा क्लोट क्लोट बनता है, एग्लूटिनेशन होती है। वो एग्लूटिनेशन एक रिएक्शन है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज आके कंबाइंड हो जाता है, एग्लूटिनेट हो जाता है, इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो विडाल टेस्ट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एग्लूटिनेशन वाले पे। नेक्स्ट चीज, विडाल टेस्ट वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जॉर्जस फर्नांडे। विडाल, सबसे पहले जो विडाल टेस्ट था वो किसके द्वारा खोजा गया था, जॉर्जस फर्नांडे विडाल ने, एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसकी टेस्ट की खोज सर्वप्रथम जॉर्जस फर्नांडे विडाल ने की थी, इसलिए इसे विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, टाइप्स ऑफ विडाल टेस्ट कितने टाइप से होते हैं, देखो एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट, दो तरह के विडाल टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है, जिसमें क्वालिटी हमें दिखाई दे, ठीक है। बाय यूजिंग दिस मेथड डिटेक्ट अ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, इस मेथड के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि एंटीजन उपस्थित है या नहीं। देखना क्वालिटेटिव टेस्ट में केवल एंटीजन का पता लगाया जाता है, क्वालिटी देखी जाती है। एग्जांपल स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जो कि आगे मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है। दूसरा आता है आपका क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटी देखी जाती हो, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू डिटेक्ट दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट, इस मेथड के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि एंटीजन की मात्रा
एक ही एंटीजन की मात्रा में उपस्थित, कितनी मात्रा में उपस्थित है। एग्जाम्पल होता है डाइल्यूशन मेथड। देखो फिर से बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विडाल टेस्ट में। एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, एक होता है आपकी क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में हम ये देखेंगे कि एंटीजन है या नहीं, और क्वांटिटेटिव में हम ये देखेंगे कि एंटीजन है तो सही पर कितनी मात्रा में उपस्थित है। पहले क्वालिटेटिव लगाएंगे, यदि क्वालिटेटिव पॉजिटिव आया तो फिर क्वांटिटेटिव लगाएंगे। हमने देखा कि एंटीजन उपस्थित है क्वालिटेटिव में देखा, अब पर मुझे देखना है कि कितनी मात्रा में उपस्थित है, यानी कि कोई मरीज आया उसको कितनी मात्रा में इन्फेक्शन है, उसको पता करने के लिए मुझे डाइल्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, जिसे क्वांटिटेटिव टेस्ट कहते हैं। मैं क्वालिटेटिव को डिस्क्राइब करूँगा, देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। अब देखो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसे अभी मैंने क्वालिटेटिव मेथड में आपको बताया था। अब देखो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको एक विडाल स्लाइड की ज़रूरत होती है, एक मिक्सचर मिलाने वाला चाहिए, ड्रॉपर, जो कि ड्रॉपर क्या होता है कि हम एक ड्रॉप लेते हैं और डालते हैं उससे सॉल्यूशन का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस जल्दी इसका, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, सैंपल, आप क्या क्या सैंपल निकाल सकते हो। पेशेंट की सीरम, जो मरीज आया है उसका ब्लड निकालोगे, उसकी सीरम को आप सेपरेट कर लोगे, सीरम रिक्वायर होती है, ठीक है। रिएजेंट में क्या चाहिए, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला, उसमें 3-4 एंटीजन पाए जाते हैं, एस टाइफी, और अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाओ, उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा आपने, वहाँ पे लिखा होगा, उसको देखो। मैंने वहाँ पे बताया था ओ एंटीजन होता है जिसे टीओबी कहते हैं, एच एंटीजन जिसे टीएचबी कहते हैं, अभी बताया था मैंने, एक एच एंटीजन बताया था, एक बीएच अभी पीछे बताया था मैंने आपके, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पे पाए जाते हैं। इन एंटीजन को हमको यूज, रिएजेंट यूज करते हैं, उनको मिला के देखना पड़ता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल, उसका क्या, जो विडाल टेस्ट ये किस सिद्धांत पर निर्भर है। विडाल टेस्ट इज अ एग्लूटिनेशन टेस्ट, अच्छे से समझिएगा, विडाल टेस्ट इज अ एग्लूटिनेशन टेस्ट इन विच पेशेंट सीरम मिक्स विद एंटीजन, इफ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन सीरम देन एंटीजन रिएक्ट विद दैट एंड शो द एग्लूटिनेशन। बोलना चाहता है विडाल टेस्ट में, इसमें मरीज के सीरम को निकाला जाता है और उसके अंदर एंटीजन को डाला जाता है। जब देखो मरीज का सीरम निकाला, यदि मुझे साल्मोनेला का इन्फेक्शन हुआ है तो मेरे शरीर में एंटीबॉडी भी बनी होगी, और एंटीबॉडी सीरम में पाई जाती है, तो मेरी सीरम को निकाल लो और बाहर से एंटीजन को मिला दो। अगर मिलाएंगे, यदि एंटीबॉडी है तो वो एंटीजन उससे रिएक्ट करेगा, नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, एग्लूटिनेशन नहीं होगी। एक सिद्धांत पर बेस होता है, सिंपल सिद्धांत, एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो आप प्रोसीजर, आप टेस्ट करोगे कैसे। टेक अ विडाल स्लाइड एंड एड अ वन ड्रॉप ऑफ सीरम इन ईच सर्कल। देखो बोलना चाहता है कि सबसे पहले विडाल स्लाइड को लेकर इस प्रक्रिया को, एक प्रत्येक गोले में मरीज की सीरम को डाला जाता है। देखो मैं यहाँ पे चार गोले हैं, 1, 2, 3, 4, जिस पे ओ एंटीजन, एच एंटीजन, बी एच एंटीजन और एच एंटीजन लिखा हुआ है। इन सारे गोले में एक एक ड्रॉप पहले मरीज की जो सीरम निकाली है वो डाल दो, ठीक है, डाल दिया। इसके बाद नाउ एड अ विडाल एंटीजन इन एच ईच सर्कल। सभी देखो, अब ये ऊपर मेरे विडाल के जो रिएजेंट आते हैं ना, वो कुछ इस तरह के आते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये ओ एंटीजन, ये एच एंटीजन, ये एच और ये बी एच दिख रहा है। अब इन चारों एंटीजन को, ओ एंटीजन वाले को मैं क्या करूँगा, सिंपल बात है, ओ एंटीजन वालों को ओ में डालूंगा, एच वाले को एच में, बी एच वाले को बी एच में और ए एच वाले को एच में, ठीक है। ये ओ ओ में, एच एच में, एच एच में, बी एच में, सब में सीरम था। अब इनको मिक्स करूंगा, ठीक है, मिक्स करने के बाद देखूंगा एग्लूटिनेशन किस में आई है। यदि ओ में आई है तो मैं बोल दूंगा टाइफॉइड हुआ है, ऐसे टाइफॉइडल एंटीजन है। एच में आएगी तो मैं बोल दूंगा ये भी टाइफॉइडल एंटीजन है। अगर एच में आएगी तो मैं बोलूंगा कि ये एच मतलब कि पेरा टाइफॉइड फीवर है ना, जो आप जानते हो, अभी मैंने आपको पहले बताया कि टाइफॉइड और पेरा टाइफॉइड क्या होता है। मिक्स वेल, अब इसको मिक्स कर दिया जाता है और अच्छे से मिला के एग्लूटिनेशन को देखा जाता है। सिंपल टेस्ट है, बहुत ईजी है,
फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले कांच की स्लाइड लेना है, चारों सर्कल में वन वन ड्रॉप आपको क्या डालना है, पेशेंट की सीरम डालनी है, ऊपर से चारों में विडाल रिएजेंट डालना है, OHH BH चारों रिएजेंट एंटीजन मिक्स करना है और उसके बाद देख लेना है अगर एग्लूटिनेशन आएगी तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अब हमें AST, अब जो टेस्ट तो पॉजिटिव आया है, अब हम क्या करेंगे इसको देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट बैक्टीरिया। बोलना चाहता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो मेडिसिन है उसकी क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तरह से होता है, बीच बीच में मेडिसिन लगा देते हैं और देखते हैं किस बैक्टीरिया ने कितनी कॉलोनी को मार दिया है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर आपको जानना है यार कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट होता क्या है, कैसे लगाते हैं, तो मेरे चैनल को विजिट करो, वहाँ पे डिटेल से डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं हम, पेनिसिलिन के बाद क्लोक्सिसिलिन दे सकते हैं और वेंकोमाइसिन सेफ्लोक्सिलिन भी आता है और क्लोरोहेक्साडाइन मेडिसिन दे सकते हैं। कुछ इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेनिसिलिन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिंडामाइसिन भी इंपॉर्टेंट है, एमोक्सिलिन भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ मेडिसिन होती है जो हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट में देते हैं, साल्मोनेला के अगेंस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा प्रोमिस है एक बार आप चैनल को विजिट जरूर करके देखिए, आपके काम की चीज बहुत सारी डली हुई, चाहे आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।